नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आर्ट के इंजीनियरिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन जो कि RRB जेई सिविल में 2019 में आए हुए हैं। दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर पेपर रिवीजन करने से आपको ये पता चलता रहता है प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आप तैयारी करें, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को थोड़ा कम, उसी तरीके से आप तैयारी कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ और जल्द से जल्द अपने टारगेट को अचीव करें। तो दोस्तों, चलते हैं अभी पहले क्वेश्चन पर। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हेन टू रूफिंग शीट्स मीट एट ए लोअर लेवल फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन फॉर्मिंग एन एक्चुअल एंगल जंक्शन इट इज कॉल्ड एज। इसका मतलब कह रहा है कि जब विपरीत दिशाओं से आती हुई छत की दो सीटें एक न्यून कोणीय जोड़ बनाते हुए निचले स्तर पर मिलती हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे घाटी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका डी है। इस तरीके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जग मिला है ना, तो इसी चीज़ को एक घाटी बोलते हैं। जैसे एक रूफ इधर से आया, एक इधर से, दोनों आके मिल गए और नीन कोड़ी कोड़ बनाते हैं, तो इसी चीज़ को पूछ रहा कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको घाटी कहते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स फ्राम कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड, यानी परिवहन के दौरान कंक्रीट से खुरदरे एग्रीगेट का पृथककरण क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेग्रेशन। दोस्तों, जैसे ज़्यादा ऊंचाई से पटकने पे तो जो उसके कंक्रीट, बड़े बड़े कंक्रीट अलग निकल जाते हैं और महीन कंक्रीट नीचे बैठ जाते हैं, तो उसे सेग्रेशन कहते हैं। इस तरीके से जैसे एक कंक्रीट है, बड़े बड़े कंक्रीट ऊपर रह गए ऐसे और नीचे छोटे छोटे कंक्रीट और बालू पानी बैठ गए, या एक दूर से ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है जब दूर से, मतलब ज़्यादा ऊपर से वो कंक्रीट को फेंका जाता है तो ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है, तो इस चीज़ को सेग्रेशन कहते हैं। और ब्लीडिंग, जब ये चीज़ उल्टा हो जाए, मतलब वो कंक्रीट के ऊपर पानी आ जाए और बालू आ जाए, तो उसे ब्लीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन लॉसेस डिपेंड अपॉन, यानी उद्वाष्पन हानियाँ किस पर निर्भर करती हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, विकल्पों से सभी। तो देख लेते हैं कौन कौन सा क्या क्या है। आर्द्रता और वायु का वेग, जल सतह क्षेत्रफल और जल की गहराई, और क्षेत्र की प्रकृति और वनस्पति के प्रकार, यानी इसका करेक्ट आंसर सी है कि सभी। नेक्स्ट, फॉर डस्ट फ्री फ्लोरिंग द फ्लोर फिनिश मटेरियल शुड हैव विच प्रॉपर्टी मेनली, यानी कह रहा है धूल मुक्त फर्श के लिए फर्श की फिनिशिंग सामग्री में मुख्यतः इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एब्रेशन रेजिस्टेंस, यानी अवघर्षण प्रतिरोध होना चाहिए। नेक्स्ट, इन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स इफ ए वॉल इज नॉट बेयरिंग द लोड फ्रॉम स्लैब दैट वॉल इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी कह रहा है लोड असर संरचना और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में यदि कोई दीवार स्लैब से भार वहन नहीं कर रही है तो उस दीवार को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पार्टीशन वॉल। जैसे दोस्तों देखिए, चित्र से समझ लीजिएगा, जैसे हमारा स्लैब हो गया, यहाँ कॉलम लगे हुए हैं, एक यहाँ हमारे चार कॉलम लगे हुए हैं इस तरीके से, एक कॉलम पे टिका हुआ है स्लैब, तो उसके बीच में जो वॉल देके बनाया जाता है उस पर लोड नहीं आता। आजकल ऐसे ही घर बन रहे हैं, इस कॉलम पे स्लैब टिका रहता है और उसे पार्टीशन वॉल बना बना के रूम बना लिया जाता है, तो उसी को बोला है कि जो उस पर वो स्लैब का भार नहीं आता है उस पार्टीशन वाल पे, तो उसी को पूछ रहा है कि मतलब जिस पर स्लैब का भार नहीं आ रहा हो उसे क्या कहा जाता है।
तो उसे पार्टीशन वॉल कहते हैं। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्केप होल्डिंग विच इज वेडेली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वर्क इज, यानी कारक मचान का सर्वाधिक आम और चिनाई कार्य में व्यापक रूप से प्रयुक्त प्रकार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंगल स्केप होल्डिंग यानी एकल मचान। नेक्स्ट, द फेलर ऑफ ए मटेरियल अंडर वेयरिंग लोड आफ्टर ए नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ सच लोड इज नोन एज, यानी करेक्ट, परिवर्तनशील भार के अंतर्गत ऐसे भार के कई चक्रों के बाद सामग्री की विफलता क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फटिक फेलर। जैसे एक ही जगह पे बार बार आप दाब लगाएं या घाव करें तो बार बार उस पर लोड लगाते रहें तो उसी कई चक्रों के बाद उसकी सामग्री विफलता हो जाए, तो उस विफलता को क्या कहा जाता है? फटिक फेलर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट डेंसिटी सेपरेशन ऑफ सॉलिड वास्टेज कैन बी accomplished by air classifiers, iron recovery from solid waste can be done by magnetic separators, aluminium separation from solid waste can be accomplished by eddy current separators, which of the statements given above are correct? पूछ रहा है कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में, यानी इसमें आपको दिया है गया है स्टेटमेंट और ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से कौन कौन सही है। ठोस अवशिष्ट का घनत्व पृथक्करण एयर क्लासिफायरों द्वारा पूरा किया जाता है, ते तो सही कह रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठोस अवशिष्ट के लौह सामग्री की पुनः प्राप्ति चक्रीय विभाजक द्वारा की जा सकती है, ए आपकी स्टेटमेंट भी सही है। सेकेंड, ठोस अवशिष्ट से एल्युमिनियम का पृथक्करण भंवर धारा विभाजकों द्वारा पूरा किया जा सकता है, ये गलत है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट और सेकेंड। तो देखिए कौन सा है, तो ये डी में है, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट और सेकेंड सही है, थर्ड सही नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स ऑफ कपल विद द आर्म ऑफ द कपल्स इज कॉल्ड, कह रहा है कि बलयुग्म के किसी एक बल्ब और बलयुग्म की भुजा के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मोमेंट ऑफ द कपल। बलयुग्म एक तरीके से ले लीजिए कि इस तरीके से एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है। तो वही पूछा कि बलयुग्म किसी एक बल और बलयुग्म की भुजा के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो उसे मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं, जो कि एफ इंटू डी होता है। मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी डी है, क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी डी है, तो उसी को पूछ रहा है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी, बलयुग्म की एक भुजा और उसके बीच की दूरी। तो इसे बोलेंगे बलयुग्म का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ द कपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चरल डिजाइन, यानी कह रहा है संरचनात्मक डिजाइन का मूल सिद्धांत इनमें से किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्ट्रांग कॉलम वीक बीम, यानी मजबूत स्तंभ और कमजोर बीम। नेक्स्ट, द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्स इन वाटर, यानी पानी में विघटित की मौजूदगी के कारण जलीय जंतु पानी के नीचे सांस लेते हैं, किस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी के कारण जलीय जंतु पानी में सांस लेते हैं। न्यूनतम ऑक्सीजन 4 ppm से कम नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो जलीय जंतु मर जाएंगे, उनको जीने के लिए न्यूनतम 4 ppm होना चाहिए। नेक्स्ट,
ए डिवाइड वॉल इज द प्रोवाइडेड, करेक्ट, विभाजक दीवार पर प्रदान की जाती है। कहाँ? सी, इसका करेक्ट आंसर सी है। बाद की अच्छे से समकोण पर, एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर, विभाजक दीवार कहाँ प्रयोग की जाती है? एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर, आपको चित्र के द्वारा दिखा दे रहे हैं। देखिए ए बियर है, उस पर विभाजक दीवार, देखिए यहाँ यहाँ विभाजक दीवार है, यहाँ विभाजक दीवार लगा हुआ है, और यहाँ देखिए सब विभाजक दीवार लगे हुए हैं, यहाँ विभाजक दीवार लगे हुए हैं। तो इसी को बोला कि कहाँ लगे जाते हैं, तो वो बियर के एक्सिस के लंबवत दिशा में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म्ड, यानी निम्न में से किसे ज्ञात करने के लिए सादृश्य परीक्षण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, करेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो, जल सीमेंट अनुपात, कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है। तो इसको आप, अब ये किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो ये विकाट उपकरण द्वारा किया जाता है, आप चित्र में देख लीजिए। इस विकाट उपकरण द्वारा कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे टाइम सेटिंग भी, मतलब इसी से निकाल लिया जाता है, ये कंसिस्टेंसी टेस्ट करता है और टाइम सेटिंग टेस्ट भी करता है, कई टेस्ट इससे किए जाते हैं। नेक्स्ट, एट क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस इन ए रेक्टेंगुलर चैनल द वैल्यूज ऑफ प्राउड नंबर इज, यानी कह रहा है कि एक आयताकार चैनल में क्रांतिक प्रवाह दशाओं में प्राउड संख्या का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है एक होगा, एकक यानी यूनिटी। अब प्राउड संख्या क्या होता है? प्राउड संख्या होता है जड़त्व, देखिए प्राउड संख्या बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण, बटे गुरुत्वाघूर्ण। गुरुत्वाघूर्ण होता है, नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो आर यूज्ड, यानी कह रहा है चल निधि अनुपात का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, विकल्पों में से सभी। तो चलो देख लेते हैं विकल्प। अल्पकालिक देयताओं और इन्हें पूरा करने के लिए उपलब्ध अल्पकालिक संसाधनों की तुलना करने के लिए, फर्म की अल्पकालिक देयताओं की पूर्ति करने से संबंधित देयताओं को मापने के लिए, फर्म की मौजूदा नकदी ऋण शोधन क्षमता और विपत्ति की स्थिति में फर्म के ऋण शोधन क्षम बने रहने की क्षमता के संबंध में आहिदिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी, विकल्पों से सभी। नेक्स्ट, द कॉमन नेम फॉर ऑल डोर्स विंडोज एंड सच यूनिट्स आर कॉल्ड है, यानी सभी दरवाजों खिड़कियों और ऐसे इकाइयों के लिए सामान्य नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जॉइनरी। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज, यानी नगर पालिका के ठोस अवशिष्ट में उत्पन्न राख का घनत्व कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 700 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट, ए सीजर क्रॉस ओवर कंसिस्ट ऑफ वन डायमंड एंड, यानी एक सीजर क्रॉस ओवर में एक हीरे का आकार होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 4 टन आउट। नेक्स्ट, द लोकस ऑफ रिएक्शन ऑफ ए टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च इज, यानी कह रहा है कब्जे से जुड़े हुए दो अर्धवृत्ताकार आर्च की क्रिया का पथ लोकस ऑफ रिएक्शन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सीधी रेखा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विथ हेल्प ऑफ थियोडोलाइट इन सर्वेइंग, यानी सर्वेक्षण में थियोडोलाइट की मदद से इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता?
तो ऊंचाई में अंतर ज्ञात करना किया जाता है, वक्रता को सेट करना ये भी किया जाता है, ग्रेड स्थापित करना ये भी किया जाता है। भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करना ये नहीं किया जाता, भूमि का क्षेत्रफल जो होता है ना प्लानीमीटर से ज्ञात किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि थियोडोलाइट में सर्वेक्षण में थियोडोलाइट की मदद से इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, थियोडोलाइट से कार्य नहीं किया जा सकता, भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्लानीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फील्ड वेन सीयर इज द अप्रोप्रिएट फील्ड टेस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी फील्ड वेन सीयर इनमें से किसकी अप्रोप्रिएट सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र परीक्षण है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्ले यानी चिकनी मिट्टी के लिए। नेक्स्ट, द कम्बाइंड नेम फॉर द टू टेस्ट इलांगनेशन इंडेक्स एंड फ्लाइकनेस इंडेक्स, यानी दीर्घीकरण सूचकांक और फ्लैकिनेस सूचकांक नामक दो परीक्षणों के लिए संयुक्त नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सेप टेस्ट यानी आकृति परीक्षण। नेक्स्ट, फिक्स्ड बीम इज आल्सो नोन एज, फिक्स्ड बीम को भी कहा जाता है, तो फिक्स्ड बीम को इंसेस्टर बीम भी कहा जाता है, एनकेस्टर बीम, फिक्स्ड बीम को ही एनकेस्टर बीम कहा जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट, नेम द स्ट्रक्चरल मेंबर कनेक्टिंग ऑल द ट्रसेस एंड आल्सो सपोर्टिंग द रूफिंग शीट्स, यानी सभी ट्रस को जोड़ने वाले और छत की चादरों को सहारा देने वाले संरचनात्मक हिस्से को का नाम बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पोर्लिन, इसका करेक्ट आंसर बी, पोर्लिन। दोस्तों इस तरीके से जैसे एक ट्रस बना रहता है, तो यहाँ पे ऐसे करके बना रहता है, इस पे ऐसे पोर्लिन बना रहता है ना, उसी को कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि सभी ट्रस को जोड़ने वाले छत की चादरों को सहारा देने संरचनात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है, इस तरीके से लगा रहता है पोर्लिन, एक छत के सहारा देता है तो उसी को पूछ रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, पोर्लिन कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो का आनंद ले सकें और अपने टारगेट को जल्द से जल्द अचीव करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 25 GK टेक्निकल क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।